आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और विधि मंत्री पीसी शर्मा जी, और आइए उनसे जानते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर बावजूद इसके सरकार है, क्या राय रखते हैं वे? सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, लगातार जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है विपक्ष का रुख बड़ा हमलावर सा रहता है, क्या विपक्ष की जो टिप्पणियाँ हैं, विपक्ष के जो आरोप हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष के पास मैं नहीं समझता कुछ बोलने के लिए है। इस बार चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और आज भी हैं, उनने एक वचन पत्र जारी किया था कि ये वचन हम देते हैं कि ये काम पूरे करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा काम था किसानों की ऋण माफ़ी का। और शपथ लेने के 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने 55 लाख किसानों को ऋण माफ़ी दस्तखत कर दिए और प्रक्रिया शुरू हुई। 25 लाख किसानों के कर्जे 5-6 मार्च तक हो गए, अब आचार संहिता लग गई है, जैसे चुनाव खत्म होगा तो बचे हुए जो किसान है उनके अकाउंट में जा रहा है सीधा पैसा, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि आप ऋण माफ हो चुका है। इससे जो कोऑपरेटिव बैंक है ये मजबूत होंगे, इकट्ठा पैसा जमा करेगी सरकार कोऑपरेटिव बैंक में। तो कुल मिला के ये ऐतिहासिक निर्णय बहुत बड़ा है, और उनका ये कहना है कि ये कोई एहसान नहीं है किसानों पर, हमने किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाई है जिससे उद्योग और व्यवसाय के सामान बिकेंगे और वो तेज़ चलेंगे, जिससे मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, व्यवस्था, वो ठीक होगी। सर, कहीं ना कहीं जो फर्जी लोन किसानों को दे दिए गए, जो किसान था ही नहीं उसके नाम पर लोन इशू, इसमें सरकार का जांच हो रही है, जो भी दोषी लोग हों उनको बिहाइंड द बार्स भेजा जाएगा, वो जेल जाएंगे। बार बार एक धमकी जो है कांग्रेस सरकार को देने की कोशिश करता है विपक्ष की, कुछ ही दिनों की सरकार है, कांग्रेस का क्या नजरिया है? मध्य प्रदेश के किसान तो सरकार तो मजबूत है, दिल्ली में भी हम सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट जीतेंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा सीटों को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी इस बार, क्या वाकई 90% कैंडिडेट लगभग तय कर लिए हैं कमलनाथ जी ने और राहुल जी ने, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस अनाउंस करेगी अपने कैंडिडेट्स के नाम और पूरी ताकत से कांग्रेस जुटेगी। 76 दिन की सरकार और 83 वचन पत्र की बातें पूरी की है, मतलब रन रेट पर डे 1 से भी ज़्यादा है। अभी केवल 2 सांसद आपके हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे में 3 सांसद आपके हैं और बाकी भारतीय जनता, क्या मुद्दा रहेगा मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से लोकसभा चुनाव के दौरान? ये पूरे जो वादे किए थे वो पूरे किए, जो वचन दिया था पूरा किया, और कमलनाथ जी विश्वास जनता का सरकार पर बढ़ाया है, युवाओं के लिए किया स्टाइफंड, बिजली के बिल किए किसानों के आधे, बच्चियों की शादी के लिए 51,000 किए जो पहले 25 थे, तो मैं समझ, और वृद्धा पेंशन बढ़ा दी है, तो कोई बचा नहीं है कोई भी इशू, और इसलिए 29 में से 29 सीटें आएंगी। चुनाव के बाद क्या लक्ष्य है कांग्रेस का, किस किस वर्ग को फायदा पहुंचाने, किस तरह की योजनाएं और बनाने का? चुनाव के बाद जो बचा हुआ वो है एजेंडा, वचन पत्र, उसको पूरा करेंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और विधि मंत्री पीसी शर्मा जी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटें कांग्रेस जीतेगी। अब देखना होगा कि जनता उनकी इस उम्मीद पर कितना उन्हें खरा उतारती है और मध्य प्रदेश की सरकार जो लगातार काम कर रही है उसका अगला रुख क्या होता है। अपने सहयोगी प्रतीक सोलंकी के साथ मैं राहुल तिवारी, टैलेंटेड इंडिया, इंदौर।